सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ नरौली। नरौली क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि आज मुझे अपना एक फ़ोन देखना है। नया फ़ोन लेने के चक्कर में हूँ, नया नहीं, सेकेंड हैंड। तो मैं वही देखने जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तो चलो देखते हैं। अभी ये वाला जो मेरा फ़ोन है वो थोड़ा ना, पता है, ख़राब हो चुका है। मतलब फ्रंट कैमरा इसका काम नहीं कर रहा, सेल्फी वगैरह मैं कुछ नहीं ले पा रहा। तो बैक कैमरे से मेरा सिर्फ ब्लॉग बनाने का काम होता है, तो वही कर पा रहा हूँ, और सेल्फी वगैरह मैं नहीं ले पा रहा। तो आज चलो फिर चलते हैं और देखते हैं अपना फ़ोन, और कोई फ़ोन पसंद आता है या नहीं। वैसे तो आईफोन लेने के चक्कर में हूँ मैं, आईफोन 11 के आसपास। तो देखते हैं चलो चल के कि हमें सही रेट पे मिलता है या नहीं मिलता है। तो फिर चलो चलते हैं। ये अपनी इधर, अभी मैं प्लॉट में था, और इधर अपनी स्कूटी खड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं भाई। इसकी बंदी लगाओ, ऐसे छोड़ो, और चलो चलते हैं अपना फिर। ये स्कूटी रेडी होती है ब्रेक दबाने पर। चलो मिलते हैं। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं नरौली और एंटर कर रहे हैं हम। ये क्या है? स्कूल है शायद, मदरसा, मोमदनों का मदरसा। और ये नरौली जिधर हम जा रहे हैं, और अभी आगे आगे चल के दिखाते हैं फोन वगैरह कोई मिलता है या बढ़िया सा। अभी आ चुके हैं हम, मतलब रास्ते में हैं। फोन देख लिया है, जो कि अभी पीछे मैंने दिखाया था। दो फोन थे, कैसे थे? बढ़िया थे, ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर में 64 GB पर 11 था, आईफोन 11 था। और मैं सोच रहा हूँ 11 प्रो लेने की, वो भी 256 GB में। तो अभी वो मिल नहीं पाया, वो कह रहा था अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद देख लेना, और मिल जाए तो। वैसे तो अभी मिल नहीं रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी मिल जाए हमें। और घर की तरफ जा रहे हैं अभी। ये हमारा चंदूसी का ब्रिज है छोटा सा, और ये चूतिया बैठा पीछे, और ये हम जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक बार मेरा फोन बेकार हुआ था यहाँ पे, सामने जो दिखाई दे रही यही हुआ था ना, नीरज ने जो गिराया। हाँ, फिलहाल फ़ोन देख के आ चुके हैं हम, आईफोन 11 प्रो 11 128 GB। वेरियंट सही था, पैसे ज़्यादा थे, पर जो 128 GB 11 प्रो था वो बता रहा था 32,000, 32,000 का बहुत महंगा था, इसलिए कैंसिल कर दिया। अभी 2-4 दिन में देखेंगे, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। सो गाइस, अभी आए थे हम बिरयानी खाने करीब 6 बजे, ठीक है, पर अभी टाइम हो रहा है शायद 7 के पार है टाइम, ठीक है। और देख सकते हैं अभी हमारा सीन चल क्या रहा है, क्योंकि ये चल किस चीज़ से रहा है। ऐसा हुआ था, बिरयानी खाने आए थे, ठीक है, बिरयानी हम खा ली, कोई नहीं। अब जब हम घर चलने को थे ना, कि घर चला जाए अब, तो भैया की क्या बोलते हैं, ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही है। अब इसमें हम किक मारते जा रहे हैं, करीब 1 घंटा हमें हो चुका है किक मारते मारते, और ये गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब इसे पैदल पैदल खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ बेकार है वो तो बेकार है, ठीक है। और मैं भी इन्हीं के साथ साथ जा रहा हूँ, मुझे देख सकते हैं, मैं अपने मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ अपना। और देखें भाई साहब, पैदल पैदल खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अभी एक भैया का घर आगे है, तो उधर खड़ी करेंगे बाइक हम अपनी। और भाई सामने देख सकते हैं, मैं दिखाऊं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी कहते हैं कि मत लेके जाओ ऐसे, हो गई ना दिक्कत। अब
पहली बार इतना भारी पड़ा होगा है। कोई नहीं, इतना तो चलता है। ट्राई करके देख लो, साइड में लगाओ साइड। बस बस बस, देखते हैं गाइस गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। वैसे तो मुश्किल ही है। और पता है गाड़ी स्टार्ट कब होगी? गाड़ी स्टार्ट होगी जब हम पहुंच जाएंगे ना घर, तब गाड़ी स्टार्ट होगी, और वो भी इसी तरीके से। पर अभी तो हम पैदल पैदल खींचते हुए लेके जा रहे हैं। आगे भैया हैं, एक गोविंद भैया हैं, तो उन्हीं के घर खड़ी करेंगे गाड़ी। देखते हैं भाई कैसा सीन रहता है, और फिर देखता हूँ इन्हें मैं घर छोड़ के आऊँगा या ऐसे ही पैदल भगाने दूंगा। देख भैया, घर छोड़ के आऊँ तो मैं चले जाओगे ना? छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है ना। अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, मैंने बिरयानी खिलवाई तुम्हें बिरयानी पड़ी महंगी बहुत महंगी पड़ी बिरयानी, कसम से इतनी महंगी पड़ी है कि एक घंटे से पहली बार हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एक सेकंड, ठीक है। फिर दूसरा मार्केट में गाड़ी खींचनी पड़ी है, बेइज्जती अलग हो रही है। खैर बेइज्जती से डर नहीं लगता, पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो और भी अच्छा होता। मेरे तो मन कर रहा है घर पे ले जाऊं गाड़ी डायरेक्ट। देखो यार घर पे लेके जाओ तो घर पे ले लो गाड़ी। हाँ ठीक है, घर पे ही ले लो फिर। तो मैं डालूंगा लैपटॉप से, दो मिनट निकाल लिए। यह रोटरी आइस हॉस्पिटल, और पहले बहुत मस्त है यार ये, तो पहले से और भी ज्यादा सेक्सी होता जा रहा। हाँ जी जनाब, कैसा फील हो रहा है? अबे ये तो कुछ नहीं है, मेरे तो चलो पहली बार हुआ है। आर्यन ने मेरे को तीन बार ऐसे रखाया है तीन बार यार। पर थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा ना, आदत सी पड़ गई, अब तो आदत सी पड़ गई है ना, इसलिए गाड़ी बहुत बार लेके आऊं ना, मेरे गाड़ी का काम है जिंदा झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, जिंदा झूठ। मतलब फुब्बारे से हम गाड़ी खींचते हुए लेकर आ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है, ये बाइक अब ज्यादा चलने वाली नहीं है, अब ना लेके आओ तो ही सही है। देखो गाइस यहाँ पानी में छेद है, वो सड़क में छेद है, सड़क में छेद है, और यहाँ हमारी जिंदगी में छेद है। हम अपने जिंदगी में छेद है, भी नहीं है वही जिंदगी हमारी खराब हो चुकी है, वो भी राधे राधे। अरे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अरे भाई बड़ा बुरा सा लग रहा मुझे भैया के लिए बेचारे। अभी बेइज्जती कर रहा है मैंने इनसे बोला था, मैं क्या बोलते हैं मैं, अरे अरे देख के, मैंने इनसे बोला था कि क्या बोलते हैं मैं बैठ रहा हूँ तुम स्कूटी से धक्का मार लो, पर नहीं, धक्का खुद ही मारेंगे बेचारे। लाइब्रेरी किधर है? यहाँ पर अब मजे लेते हुए गाड़ी को उधर छोड़ दिया है, तो वहाँ से निकल चुकी है गाड़ी के लिए। राधे राधे, वो भी राधे राधे नहीं, राधे 360 नहीं बोलना है पूरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। 36 बार राधे रास्ते में सुन जाने का लूट पाट होती रही, इधर कहीं बच्चे निकलना पड़ता है, इधर साइड में कोई भी पकड़ लेता है। और इधर इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, बेचारे पढ़ के आ रहे थे यहाँ से, मतलब इधर से बिरयानी खाने गए थे, मतलब मेरे कहने पर आए थे, तो भैया बिरयानी ज्यादा महंगी पड़ गई इन्हें, अब सोच रहे हैं कि कितनी महंगी पड़ी बिरयानी। कोई नहीं, आप किधर है? लेफ्ट। देखते हैं भाई इनकी लाइब्रेरी, देखते हैं कैसी है इनकी लाइब्रेरी के बच्चे, बड़े ही बेकार है। किधर किधर इधर ओहो निकाल। सो हे गाइस, अभी हम घर पे हैं और भैया आ चुके हैं घर पे, क्योंकि रात इनकी हो चुकी थी तबीयत खराब, क्योंकि जितना गाड़ी में धक्का मारा था ना इन्होंने, वो सारी इनकी तबीयत खराब हो गई, इनके पैर वैर में दर्द होने लगा। और देख सकते हैं अभी दवाई लेकर आ रहे हैं बेचारे ये देखो दवाई ववाई खाएंगे अभी। और कल की वाली बात बता दूं, गाड़ी कैसे अपने कल की बात बताते हैं। हमने पूरी मार्केट में क्या बोलते हैं धक्का मारा था गाड़ी में, ठीक है, हमने 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करी एक जगह, ठीक है, उसके बाद हम लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी जाके फिर वापस आए थे ना, इन्होंने सिर्फ एक सेल्प दी और पहली बार में गाड़ी स्टार्ट। और एक्सपीरियंस बताए सर अपना। यार क्या बताऊं, मैं तो यकीन हो रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई गाड़ी स्टार्ट हो गई, उनकी इतनी देर से धक्का मार रही है। मतलब हम पूरे रास्ते गाड़ी में धक्का मारते हुए आए थे,
और वहां जाके 5 मिनट हमने खड़ी करी थी, ठीक है। और 5 मिनट खड़ी करने के बाद उसमें सेल्फ मारी और सेल्फ से स्टार्ट हो गई। कोई नहीं, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग लेके आते हैं बढ़िया सा। मैं गाड़ी ठीक करवाता हूँ अभी, मैंने देखी अभी स्टार्ट हो रही थी, फिर भी गाड़ी लेकर आया वाली। इस टाइम में दूसरी गाड़ी लेकर आए क्योंकि भरोसा नहीं था ना। और तुमने दवाई वही खा ली ना? अभी खाते हैं घर पे, यही खा लो फिर। चलो फिर गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।